लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है। किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊँ तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है, तू मेरे घर फूल भिजवा देना। गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊँ तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूँ। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल, इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी, एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हैया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज, ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी, तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है, गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं, और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे, ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं, अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो, मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं।
तभी अचानक उसका पैर उसी केले के छिलके पर पड़ा जिसे उसने सुबह फेंका था। केले के छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसल कर जोर से गिर पड़ा। एक शहर में लालू नाम का एक आदमी रहता था। वह खाने पीने का बड़ा ही शौकीन था। दिन भर में वो बहुत सी चीजें खाया करता, मगर जो कुछ भी वह खाता उसका छिलका या पेपर या पॉलिथीन का बैग सबको सड़क पे यूं ही फेंक देता। वह इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि उसके ऐसे करने से आसपास का इलाका गंदा हो जाएगा और केले की छिलके को इधर उधर फेंकने से कोई भी गिर सकता है। अरे मैं तो मस्त मौला हूँ, मैं खाऊंगा, मैं फेंकूंगा, तुम्हें अगर ये गंदा लगता है तो तुम साफ कर लो। ऐसे कहते हुए अपनी आदत को तो वो नहीं बदला। एक दिन लालू ऐसे करता हुआ देख एक छोटी बच्ची ने उसे रोक लिया और उससे कहा, अरे अंकल, आप यह केले के छिलकों को ऐसे क्यों फेंक रहे हो? सड़क पर इससे कोई फिसल कर गिर सकता है और इससे हमारा आसपास का जगह भी गंदा हो जाता है। हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, है ना? क्या आपको स्कूल में यह सब नहीं सिखाया? ऐसे पूछती है। लालू राम ने उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिया बल्कि उल्टा उसके साथ मजाक करने लगा। अरे बच्चे, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। लालू हंस हंस कर वहाँ से चल पड़ा। लेकिन जब वह शाम को अपने घर की ओर वापस लौट रहा था तब वही बच्ची पास में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। लालू उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखकर लालू मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक उसका पैर उसी केले के छिलके पर पड़ा जिसे उसने सुबह फेंका था। केले के छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसल कर जोर से गिर पड़ा। अरे मैं तो गिर गया, कोई तो बचाओ, कोई तो उठाओ, हाय मेरी कमर, कहते हुए दर्द से बिलबिलाता रहा। उसको देख आसपास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। तब उस बच्ची उसके पास वापस आकर कहती है, क्यों अंकल, मैंने कहा था ना कि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, अब तो आपको समझ में आई। तब लालू हाय तोबा करते हुए, अरे क्या ये तुम्हारी शैतानी है, क्या तुमने ये छिलका यहाँ फेंका था, ऐसे कहते हुए गुस्सा करता है। मगर वो बच्ची कहती है, अरे अंकल, सुबह आपने ही फेंका था, आपका फेंका हुआ है ये केले का छिलका, केले के छिलके ने आखिर आपको सबक सिखाया ना, कहते हुए उसको हाथ देकर सब बच्चों की सहारे उसको उठाते हैं और पानी पिलाते हैं और सब बच्चे मिलकर उसको समझाते हैं कि अंकल देखो, हमारे स्कूल में तो सिखाया है, अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो हमसे सीखो, जो भी कचरा है कूड़ा है उसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और हमारे आसपास और इर्द गिर्द के प्रदेश को हमें खुद साफ सुथरा रखना चाहिए। इतना ही नहीं अंकल, और भी है, सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग डालने से सरकार उससे गोबर बनाएगी। हाँ अंकल, उसको रिसाइकल करेगी, अब तो समझ में आई ना। लालू को अपने किए पर बच्चों की बात सुन के बहुत शर्मिंदगी होती है और लालू कहता है, हाँ हाँ बेटा, अब तो अच्छे से समझ में आ गई, अब के बाद ना मैं कचरा फेंकूंगा और ना फेंकने दूंगा। ऐसे लालू अपनी गलती की एहसास करते हुए कचरा न करने का प्रण लेता है और उसके बाद बिल्कुल जैसे बच्चों ने समझाया था, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके साफ सफाई की ध्यान रखता है। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और
खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है? ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना, इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं, अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है, इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था, इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं।
बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है? ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना, इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं, अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेच कर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारे सोने के आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है, इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था, इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से
उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है। अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना, गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊँ तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूँ। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हैया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज, ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी, तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है, गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे, ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं, अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो, मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं।